नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप लोगों के बीच में हाजिर हैं मौसम के अपडेट लेकर। रोजाना इस समय पर आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं मौसम के अपडेट लेकर। थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं लेकिन आप लोगों को मौसम की अपडेट पूरी देंगे और मौसम अभी कैसा रहने वाला है आने वाले दिनों में ये आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ मौसम विज्ञान केंद्र का मौसम को लेकर क्या कुछ कहना है ये जानकारी आपको लेकर आए हैं। और आज मौसम कैसा रहेगा, बीते दिन कहां कहां पर बादल बरसे हैं, मौसम कैसा रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो प्रदेश भर में जो है देर रात से ही कुछ जगहों पर जो है काफी ज्यादा बारिश हो रही है और सुबह तक जो है काफी ज्यादा बारिश हुई है। मौसम ठंडा हो गया है काफी ज्यादा। अब जो तपती गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं राहत जो है सभी जगहों पर मिली है और उम्मीद करते हैं कि सभी जगहों पर बारिश भी हुई है। और इसी के साथ अगर बात करते हैं बीते दिन कहां कहां कितनी बारिश हुई है तो आपको बता दें कि बीते दिन में जो है सोलन में 31.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं शिमला के कुफरी में 27.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं अघार हमीरपुर की बात करते हैं और शिमला की बात करते हैं तो 24.6 मिलीमीटर बारिश यहां पर दर्ज की गई है। चलिए हमीरपुर में भी बारिश हो गई, बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफी दिनों से आप लोगों के सवाल थे कि हमीरपुर में कब बारिश होगी, हमीरपुर में कब, लेकिन अब जो है बीते दिन बारिश हमीरपुर में भी हुई है। वहीं थंडर स्ट्रोम की बात करते हैं तो आपको बता दें कि शिमला, सुंदरनगर, भुंतर और कांगड़ा शिमला में थंडर स्ट्रोम यानी कि तेज आंधी तूफान रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि गस्टी विंड भी बिलासपुर और शिमला में रही है। वहीं आपको बता दें कि आज जो है प्रदेश भर में जो है सुबह से ही मौसम जो है खराब बना हुआ है, काफी ठंडा मौसम बना हुआ है क्योंकि बीती रात से ही बारिश जो है लगातार हो रही है और कुछ एक जगहों पर काफी ज्यादा बारिश हुई है। वही बात करते हैं बीते दिन जो मौसम खराब रहा है, इस बीच जो है पांवटा साहिब के क्षेत्र में जो है भूंगरनी जगह है वहां पर जो है बिजली गिरने के कारण एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। क्योंकि जिस तरह से बिजली की गर्जन मौसम खराब रहने को लेकर जो है बात की गई थी, इस बीच जो है पांवटा साहिब के भूंगरनी क्षेत्र में जो है बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। वहीं आपको बता दें कि आज मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वो भी ऑरेंज अलर्ट है। जो अलर्ट्स होते हैं वो भी मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा है जो जारी किए जाते हैं। अब येलो अलर्ट की बात करते हैं तो उसमें भारी बारिश जो बारिश होने की बात की जाती है। और अगर बात करते हैं ऑरेंज अलर्ट की तो ऑरेंज अलर्ट में मौसम कुछ ज्यादा खराब रहने की बात यहां पर की गई है। तो आपको बता दूं यहां पर इसमें थंडरस्टॉर्म लाइट और लाइटनिंग के साथ साथ ही जो है गस्टी विंड रहने वाली है। हेल एंड गस्टी विंड और साथ ही साथ इसकी जो तीव्रता रहेगी, जो तूफान या फिर अगर बात करते हैं हवा चलने की तीव्रता जो रहने वाली है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ओवर द प्लेन, लो, मिडल हिल्स एंड हाई हिल्स यानी कि प्रदेश भर के सभी क्षेत्रों में जो है मौसम खराब रहने वाला है और बारिश को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तेज हवाएं, आंधी तूफान चलने को लेकर भी बात की गई है जिसकी तीव्रता 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने वाली है। वहीं बात करते हैं तो 24 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया गया है, कुछ एक क्षेत्रों में जो है बारिश होने के आसार जताए गए हैं कल के दिन के लिए, 24 तारीख के लिए। लेकिन आज की बात करते हैं 23 तारीख के लिए जो है प्रदेश भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिसमें भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ आंधी तूफान की बात यहां पर की गई है। 25 से लेकर 27 तारीख तक जो है मौसम कुछ एक क्षेत्रों में ही खराब रहेगा, बाकी ज्यादा बारिश होने की यहां पर बात नहीं की गई है। लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो प्रदेश भर के जो है सभी क्षेत्रों में बारिश हुई है। वहीं अगर बात करते हैं तो दोपहर बाद जो है रविवार के दिन जो है दोपहर तक तो काफी गर्मी थी, मौसम साफ था, लेकिन उसके बाद जो है शाम होते होते जो है मौसम ने रुख बदला और साथ ही साथ जो है सभी क्षेत्रों में जो है बारिश लगातार हुई है और ठंडक भी काफी ज्यादा मौसम में हो गई है। वहीं बात करते हैं तो आपको बता दें कि लाहौल की चोटियों पर तो बर्फबारी भी हुई है क्योंकि निचले क्षेत्रों में या फिर मिडल हिल्स की बात करते हैं, प्लेन हिल्स की बात करते हैं तो इन सभी जगहों पर जो है कहीं ना कहीं बारिश हुई है। और वहीं लाहौल की जो चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी भी दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि जिले भर में बारिश होने से किसानों, बागवानों को राहत मिली है और अब जो है वो राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि बारिश होने की वजह से जो है मौसम भी ठंडा हो गया है और मिट्टी में भी नमी आ गई है। और इसी के साथ बात करते हैं तो सभी जगहों में जो है अब तापमान में भी थोड़ी बहुत आज के दिन में गिरावट आई है। तो अब बात करते हैं कि कहां पर कितना तापमान बना हुआ है, जानकारी आपको दे दें। राजधानी शिमला से शुरुआत करते हैं, शिमला के कहां कहां पर किस तरह से मौसम बना हुआ है ये जानकारी आपको देते हैं। शिमला का जो न्यूनतम तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर है, वो 8.8 है। वहीं बात करते हैं सुंदरनगर की तो 14.8 है और भुंतर का 15.0 है, कल्पा का 5.2 है और इसी के साथ धर्मशाला की बात करते हैं तो 16.2 है, ऊना का 18.6 है और
नाहन की बात करते हैं 14.8 है, ऊना का 18.6, केलांग का 4.3 है, पालमपुर का 17.0 है, सोलन का 12.4 है और इसी के साथ मनाली का 9.8 है, कांगड़ा का 20.0 है, हमीरपुर का 17.6 है, चंबा का 20.0 और डलहौजी का 10.8 है। वहीं बात करते हैं कुफरी की तो 6.3 है, जुब्बड़हट्टी का 11.4 और पौंटा साहिब का 18.3 यहां पर तापमान बताया गया है न्यूनतम तापमान। और इसी के साथ आपको बता दें कि सभी जगहों पर जो है बारिश होने की वजह से राहत मिली है और ठंड भी हो गई है मौसम में, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है क्योंकि कई जगहों पर जो है काफी ज्यादा गर्मी हो रही थी खासकर मैदानी क्षेत्रों में। तो ये मौसम में बदलाव के बाद अब बात करते हैं आज के दिन की, तो आज के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इस बीच जो है आज भारी बारिश की संभावना है सभी क्षेत्रों में, तो लगता है दोपहर बाद फिर से मौसम खराब होगा और बारिश जो है आज काफी तेज रहने वाली है, साथ ही साथ आंधी तूफान भी ज्यादा रहने वाला है। तो आज के लिए मौसम अपडेट में इतना ही, रोजाना आपको अपडेट करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में, आपके क्षेत्र के बारे में, तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ में हूं वर्षा, धन्यवाद।